हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई, वेलकम टू माय चैनल माइलस्टोन्स इन बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो हमने अभी तक सब साइकिल के बारे में बात कर ली, हमने पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर ली है, बट अब हम बात करते हैं कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी और कहां कहां कैसे बनता है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले जो एटीपी बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट की वजह से जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो एटीपी जो बन रहा है ए पे ऑफ फेज में ग्लाइकोलाइसिस के, तो वो कहां पे बनता है, स्टेप सिक्स पे, जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है उस समय 2 एटीपी बन रहा है, एंड 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है, दैट टाइम आल्सो 2 एटीपी इज फॉर्म। तो ये दो ऐसे सबस्ट्रेट है जिनकी वजह से एटीपी बन रहा है, सो टोटल एटीपी सबस्ट्रेट की वजह से जो बनेगा वो टोटल 4 एटीपी होगा। प्रेपरेटरी फेज में जो एटीपी कंज्यूम हो रहा है दो स्टेप्स में, स्टेप 1 ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के टाइम पे एक एटीपी यूटिलाइज कर रहे हैं, और थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के टाइम पे भी एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। तो आप देखें 4 एटीपी बनता है पे ऑफ फेज में, 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है प्रेपरेटरी फेज में, उसकी वजह से जो नेट एटीपी बनता है 4-2, लेट मी राइट हियर 2 एटीपी, 4-2 दैट इज नेट एटीपी विल बी फॉर्म्ड एज 2। फिर आपको याद है कि 1 NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 इज आल्सो फॉर्म्ड, तो उसको आप बोलोगे एटीपी फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे दैट आर गोइंग टू मेक टोटल 6 एटीपी, क्योंकि आपको पता है 1 NADH2 गिव्स 2-3 एटीपी। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 के बने तो कितने एटीपी हो गए, 6 एटीपी। 6 एटीपी हमको मिलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, एंड 2 नेट एटीपी थे, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं वी गॉट टोटल 8 एटीपी इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADH2 के, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के बनते हैं दैट विल फॉर्म टोटल 6 एटीपी। अब NADH2 है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ही वजह से बनाएगा, एंड दिस इज पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बन रहा होता है उस समय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरुवेट के, सो दिस इज टोटल 6 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें 8 एटीपी मिला, एंड पाइरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन से हमको 6 एटीपी मिला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल के केस में 7th स्टेप पे डायरेक्ट एटीपी मिलता है, तो यहां पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 क्रैब्स साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बने थे पाइरुविक एसिड के, दैट इज वाई वी विल कंसीडर इट 2 क्रैब साइकिल्स। तो यहां पे 2 क्रैब साइकिल में जब 7th स्टेप पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है उस समय जीटीपी से एटीपी बनता है, तो दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। सेकेंड इज NADH2 और FADH2 भी बनता है, सो एटीपी जो बन रहा है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट इज एट स्टेप 4। स्टेप 4 जो है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसिट्रेट, इस समय 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADH2 के, क्योंकि 2 साइकिल की बात कर रहे हैं, दिस 2 मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म 6 एटीपी।
देन सिक्स्थ स्टेप पे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, उस समय भी दो NADH2 बन रहे हैं, तो उस समय भी 6 ATP बना। एट स्टेप पे सक्सिनेट टू फ्यूमरेट से, अब देखिए यहां पे फ्यूमरेट बना और FADH2 बना। आपको पता है कि 1 FADH2 व्हेन इट गोज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट गिव्स 2 ATP। तो यहां पे जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं दे विल फॉर्म 4 ATP। 10th स्टेप पे फ्यूमरेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, अगेन 2 NADH2 बनता है, अगेन 6 ATP हो जाएंगे। सो अगर हम इन सबको प्लस करें 2 + 6 + 6 + 4 + 6 इट इज टोटल 24 ATP इन क्रैब्स साइकिल। 2 ATP डायरेक्ट बनेगा, बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से ATP बन रहा है। सो हम ग्लाइकोलाइसिस के 8 ATP, पाइरूवेट एसिड ऑक्सीडेशन के 6 ATP एंड क्रैब्स साइकिल के 24 ATP। सो हियर 38 ATP इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यू विल गेट 38 ATP। तो 10th में हमने कितना सिंपली देख लिया था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 वाटर एंड ATP बनाता है, बट वो ATP 38 ATP किस तरीके से बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs कैसे आएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रैब साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि सिक्स्थ स्टेप की वजह से कितने ATP बनते हैं। तो आपको पता है सिक्स्थ स्टेप की वजह से 6 ATP बन रहे हैं, और जब भी जितने भी FADH2 की वजह से 2 ATP बन रहे हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि वो जो ATP बन रहा है वो सबस्ट्रेट की वजह से बन रहा है, ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, और ये सारे स्टेप्स मैं वो टेबुलर फॉर्म में भी समझा सकती थी, वो बहुत लाइट लगता, बट मैंने सोचा कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू हैव टू लर्न दिस सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो टेक इट वेरी सीरियसली, लर्न इट केयरफुली। स्टिल आपको ऐसा लगता है कहीं पे कुछ भी डाउट है आप अच्छे से पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कीजिए या मेल करके भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।